हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी, क्लास 9th का जो चैप्टर 5th है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कहने का मतलब कोशिका के बारे में, जीवन की मौलिक या मूलभूत इकाई, उसके अंदर अपन ने लास्ट टर्न पे सेल, साथ ही साथ सेल की स्ट्रक्चर अपने डिस्कस की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सेल वॉल के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट टर्न पर, अगर आपने वीडियो देखा है तो, नहीं तो देखिए वापस। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे थे। सॉल्यूशन मैंने 3 प्रकार के बताए थे। एक तो था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर इन सॉल्यूशन को डिफाइन करें या इसके अंदर किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो ध्यान देना। देखें, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अति परासरण दाबी या अति परासरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस। क्या मतलब हुआ, देखो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होते हैं और आइसोटोनिक। सबसे पहले जैसे देखें हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन का मतलब हो गया, जैसे मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, बाहर जो है मैंने शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब जिसके अंदर शुगर या नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ क्या था कि जैसे इसके अंदर जो सेल रखी, उस सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, समझ लो, मतलब कोशिका के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कोशिका के बाहर में पानी की कंसंट्रेशन कम है। मतलब जब मैं इसको शुगर सॉल्यूशन या नमक के विलयन के अंदर रखता हूँ तो कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक है और बाहर कम है, तो क्या होगा, जल जो है कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर की तरफ गति करेगा और उस दरमियान क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, समझ रहे हो। और कोशिका सिकुड़ गई तो कोशिका का सिकुड़ना या फिर इसके अंदर जल की जो बाहर की तरफ गति होती है, जिसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस या बही परासरण, और ये जो है इस प्रकार के सॉल्यूशन को अपन कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक या समदाबी या समपरासरणी विलयन। समपरासरी विलयन के अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जो जल की सांद्रता है वो बराबर है, इसलिए क्या होगा, जितना जल कोशिका से बाहर जाएगा उतना ही अंदर प्रवेश करेगा, फलस्वरूप कोशिका का आकार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समदाबी विलयन या समपरासरी विलयन, एक ही बात है। इसके बाद में थर्ड अपन कर रहे हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक इसको कहेंगे, वो अति हो गया और ये हो गया अधो, अधो परासरी विलयन। अब इसके अंदर क्या होता है, अधो परासरी विलयन के अंदर कि कोशी, जैसे ये सेल है, सेल के बाहर जो जल की सांद्रता है वो ज्यादा है वाटर, और कोशिका के अंदर जो जल है वो कम है, तो परासरण क्रिया द्वारा जल क्या होगा, कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, और कोशिका के अंदर प्रवेश करने से कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी, समझ रहे हो। तो यहां पर तो होगा एंड ऑस्मोसिस, यहां होगा एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब जल की गति जो है कोशिका से बाहर की तरफ हो रही है, बाहरी वातावरण में,
और यहाँ पर बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर जो जल की गति हो रही है। तो कहने का मतलब तीनों प्रकार के सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, ध्यान देना बेटा। इसके अंदर जैसे अगर अपन इसको डिफाइन करें तो सबसे पहले जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस। कहने का मतलब कोशिका के बाहर जो जल की जो सांद्रता है वो क्या है, कम है, और लेस देन इनसाइड द सेल, मतलब कोशिका के अंदर जल ज्यादा है। ये अभी मैंने बताया ना आपको कि कोशिका के अंदर तो जल ज्यादा है, जब कोशिका के बाहर कम है, इस वजह से कोशिका के अंदर से जो जल है वो बाहर की तरफ गति करता है। तो ध्यान देना, इनसाइड द सेल ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, उस दरमियान सेल क्या होगी, बाहर की तरफ जल की गति होगी और कोशिका श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाएगी। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, सांद्र ही है, मैंने नमक और शक्कर का विलयन डाला है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, ऐसे विलयन को अति परासरी या अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। ओके, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर जो जल की जो सांद्रता है वो बराबर है, इसलिए जितना जल बाहर जाएगा उतना ही जल अंदर प्रवेश करेगा, फलस्वरूप उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें बताया था ना मैंने, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मतलब जितना जल अंदर जा रहा है उतना का उतना बाहर की तरफ गति कर रहा है, इसलिए उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान देना, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाहर जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर जो जल की सांद्रता है वो बराबर हो, तो कोशिका जिले से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। ओके, इसके बाद में थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो जल की जो सांद्रता है वो बाहर ज्यादा है और अंदर कम है। हाइपोटोनिक या अधोपरासरी विलयन या अल्प परासरी विलयन भी कहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अधिक है, और देन इनसाइड द सेल मतलब अंदर की तुलना में बाहर जल की सांद्रता अधिक है, तो बाहर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और फलस्वरूप कोशिका फूल जाएगी। ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, उस दरमियान कोशिका जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, सेल स्वेल, कोशिका फूल जाएगी एंड मे बी बस्ट, और अगर अधिक जल एंटर करता गया कोशिका फट भी सकती है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर या नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा सेल के अंदर चला जाएगा, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी या अल्प परासरी विलयन कहते हैं। ये थे तीन प्रकार के सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब इसके अंदर देखो सबसे पहला जो है वो हाइपरटोनिक का है, जिसके अंदर जल की गति जो है बाहर की तरफ हो रही है। आइसोटोनिक में जितना जल बाहर निकल रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, फलस्वरूप उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसके अंदर जल जो है वो अंदर प्रवेश कर रहा है, इसलिए इसके अंदर क्या हो गया, कोशिका फूल गई। अभी आपको सुनना है, नोट डाउन नहीं करना है, इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी आराम से। जो भी अगर आप कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जब भी डाउट क्लास में आए उस टाइम आप बता देना। ओके, अब अपन इसको, ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन थे, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना बेटा, देखें हाँ, कोशिका भित्ति,
हाँ, तो वो अपन ने मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पोर्शन के अंदर था, है ना, इसके पिछले वाले टॉपिक। अब अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डिफरेंस, अगर आपने पिछले वाले वीडियो मेरे ध्यान से देखें, अगर नहीं देखे तो वापस देखो इसको, और उसके अंदर मैंने बताया था कोशिका भित्ति जो होती है वो किन के अंदर प्रेजेंट होती है और किस में एब्सेंट होती है। देखो, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, किस में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया था, नहीं तो पिछले वीडियो देखना आप, सॉरी। तो पादप कोशिका में ये उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद में इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाह्य आवरण होता है उसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, जो कोशिका को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती, तो जंतु कोशिका में ये जो है एब्सेंट होती है। इट इज रिजिड, रिजिड का मतलब हो गया कठोर, स्ट्रांग मजबूत, पोरस, पोरस का मतलब छिद्रित, जिससे क्या होता है कि पदार्थों का आवागमन आसानी से होता रहे। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव संरचना पाई जाती है, ये कठोर मजबूत छिद्रित और निर्जीव संरचना होती है। सेल वॉल ऑफ टू सेल आर जॉइंड बाय अ लेयर ऑफ लैमेली, अब ध्यान देना, इधर जैसे जैसे एक सेल मैंने ये बनाई, ओके, एक जैसे मैंने ये बनाई, एक जैसे मैंने ये बनाई, ये कोशिका भित्ति जो होती है, जैसे ये सब कोशिका भित्ति, ये आपस में जिससे जुड़ी हुई होती है उनका नाम है लैमेली। किससे जुड़ी हुई होती है, लैमेली के द्वारा, ध्यान देना, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो तीन परतों से होता है, सॉरी चार परतें होती है। सबसे बाहर होती है मिडल लैमेला, फिर होती है प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल और फिर टर्शियरी वॉल, इस तरीके से। और इनके अंदर जो, कहने का मतलब, जो लैमेली होती है या मध्य पटलिका भी कहते हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी हुई होती है, उनसे मतलब इस वॉल का जो कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है। और चूंकि सबसे बाहरी वॉल ये मिडल लैमेला ही होती है, इस वजह से, कहने का मतलब, ये भित्तियों से जो मतलब भित्तियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है ना, कोशिका भित्तियाँ, ये मध्य पटलिका या मिडल लैमेला के द्वारा आपस में फ्यूज होती है, ओके। और इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मध्य पटलिका कह दो, या पटलिका एक ही बात है, मिडल लैमेला भी बोलते हैं इसको, मध्य पटलिका नाम इसका मध्य पटलिका है, बाकी होती सबसे बाहर की तरफ होती है। मध्य पटलिका के द्वारा आपस में, क्योंकि कोशिकाओं के बीच में है ना, इस वजह से इसको, भित्तियों के बीच में है, इस वजह से इसको मध्य पटलिका भी कहते हैं। तो दो कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मध्य पटलिका के द्वारा आपस में फ्यूज होती है, मतलब मध्य पटलिका के द्वारा ये जो है ये आपस में जुड़ी हुई होती है। पता पड़ गया, अब देखो, देखें तो ये तो था इसके अंदर कोशिका भित्ति, जैसे पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है, ये मैंने डिफरेंस के अंदर करवा दिया है और इसके अंदर भी आपको बता दिया। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, हाँ पादपों की, ध्यान रखना, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, बाकी जैसे कवक वगैरह जो है तो उनकी कोशिका भित्ति अलग है, वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन भी एक, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ध्यान रखना, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट है, और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग रिजिड पोरस नॉन लिविंग होती है, साथ ही साथ इनका जो निर्माण होता है वो चार वॉल्स के द्वारा होता है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति तो जैसे ये जो जिम्नोस्पर्म वगैरह होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जनरली जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद में जैसे ये कोशिका भित्ति है, अब ये कोशिका भित्ति क्या काम आती है,
कोशिका भित्ति अगर पेड़ पौधे में होती है तो अब सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये जो है कोशिका को एक निश्चित साइज शेप प्रोवाइड करती है। अपनी बॉडी के अंदर जो कंकाल है ना, कंकाल का काम क्या है, एक बॉडी को निश्चित फ्रेमवर्क प्रदान करता है। उसी प्रकार इसके अंदर भी जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका को एक फिक्स साइज शेप प्रोवाइड करने का कार्य करती है। देखो, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल, क्या मतलब हुआ, कोशिका को फिक्स या निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है कोशिका भित्ति होने की वजह से। जिस प्रकार अपनी बॉडी के अंदर कंकाल अपने को फिक्स साइज से प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी जो कोशिका भित्ति होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो भी इसको एक फिक्स साइज से प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ओके, इसके बाद देखो, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, यह कोशिका को मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य भी करती है। क्या का, कोशिका को मजबूती प्रोवाइड करने का कार्य भी किसका है, सेल वॉल का। इसके बाद में इट इज परमीएबल, अब ध्यान देना बेटा, परमीएबल का मतलब क्या हो गया, एंड एलो सब्सटेंस टू डिफरेंट साइज, कहने का मतलब कोशिका भित्ति, मैंने आपको कहा था आगे, मैंने कहा ये पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या, जब मैंने पादप कोशिका का डायग्राम बनाया उसके अंदर आप ध्यान से देखना, अगर नहीं बनाया तो वापस घर पे कोशिश करना, इस तरीके से बनाया था, इसके अंदर बीच बीच में इस तरीके से मैंने छोड़े होंगे। पोरस का मतलब है कि इनकी बीच में क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्र की वजह से क्या होती है, पदार्थों का आवागमन आसानी से हो सकता है बाह्य वातावरण और कोशिका के अंदर। इस वजह से ये जो पदार्थों का जो आदान प्रदान हो रहा है ना, इस वजह से इसको अपन परमीएबल भी कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको पारगम्य, मतलब पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। पता पड़ गया, इट इज परमीएबल एंड एलो सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब जो पदार्थ है, अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है उनके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये हेल्प करती है। हाँ, ये ध्यान रखना कि इसके अंदर जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने कंसेप्ट अलग बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मतलब सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमीएबल का मतलब क्या हो गया कि सेलेक्ट करती है, मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी के अंदर आने देती है, और जो काम के नहीं होते उनको बॉडी के बाहर डिस्चार्ज भी करती है। लेकिन ये परमीएबल है, परमीएबल का मतलब पदार्थों के आदान प्रदान के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, इसके बाद में ये अपन ने पढ़ लिया, इसके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी वो थी कोशिका भित्ति। अब अपन जो सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो देखो, ये जैसे बेटा सबसे बाहर कोशिका भित्ति हो गई, अब जैसे मैं न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है, इनके अंदर जो सेंटर पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा, न्यूक्लियस के बारे में, जो जनरल अपन ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोशिका की जो जनरल स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चूंकि पादप कोशिका में आउटर मोस्ट कवरिंग एक और होती है जिसका नाम होता है कोशिका भित्ति, लेकिन जनरली अगर सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो सेंटर पार्ट था उसको कहा था मैंने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है उसको मैंने कहा था केंद्रक, तो सॉरी कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव पदार्थ था, सॉरी न्यूक्लियस नहीं कोशिका द्रव्य। ओके, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, सॉरी कोशिका द्रव्य, केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली, इन तीनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ केंद्रक के बारे में। अब केंद्रक क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर किसे कहते हैं, जैसे अगर अपनी स्कूल की बात करें, स्कूल का हेडक्वार्टर कौन सा है, ऑफिस है, वहीं से मतलब आपके जैसे जो नामांकन वगैरह है, रजिस्टर वगैरह है, तो वो सब वहीं पड़े रहते हैं, तो वहां से कहने का मतलब अपन जुड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार कोशिका का जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है न्यूक्लियस, मतलब ध्यान रखना जिस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का अंश है वो हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका, और जिन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस या तो अब्सेंट है या फिर अस्पष्ट है उसको मैंने प्रोकैरियोटिक भी कहा था। ओके, अब देखो देखा बेटा,
हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का जो हेड क्वार्टर है, नियंत्रित जो केंद्र है वो कौन है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ध्यान रखना बेटा, इसको खोज करने का जो श्रेय जाता है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट, आर ओ बी ई आर टी, रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी? 1831 के अंदर। न्यूक्लियस जैसे सेल को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को, उसी प्रकार न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। हिंदी में लिखूं? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, अब देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं, न्यूक्लियस को। ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियस को कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ, इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या करता है? डायरेक्ट का मतलब निर्देशित करता है। क्या करता है? कोशिका के क्रिया को आगे बढ़ाना और नियंत्रित करना। किसका काम है? न्यूक्लियस का काम है। मतलब केंद्रक के अंदर जो भी कोशिकीय प्रक्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रित करना, रेगुलेट करना और उसको आगे बढ़ाना, ये सब काम किसका है? केंद्रक का। इन यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, वाइल इन प्रोकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज अब्सेंट। क्या मतलब हुआ? कि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित या अस्पष्ट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने आपको फर्स्ट डे या सेकेंड डे अपना जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि कोशिका को केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों के अंदर क्लासीफाई किया, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता, केंद्रक अब्सेंट होता है, और एक था यूकैरियोटिक जिसके अंदर वेल डेवलप केंद्रक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये आप पिछले वीडियो मेरे देखना, उसके अंदर आपके समस्या सॉल्व हो जाएगी। फिर इट हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इधर ध्यान देना बेटा, जब मैंने न्यूक्लियस बनाया था तो न्यूक्लियस के चारों ओर होता क्या है कि ये भी एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर कैसे? जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जैसे न्यूक्लियस है ना, तो इस न्यूक्लियस जो है ये भी मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं और ये झिल्लियाँ भी ध्यान रखना जनरली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर केंद्रक झिल्ली। समझ रहे हो? इसको क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर इंपॉर्टेंट जो है वो चार पार्ट देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग हो गई, इनके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्मा, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ओके, साथ ही साथ इनके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं क्रोमेटिन नेट, मतलब क्रोमेटिन जाल। ओके, इसके अलावा एक विशेष संरचना पाई जाती है, यहां पर एक डार्क स्ट्रक्चर और भी होता है, उसको कहेंगे न्यूक्लियोलस केंद्रिक, केंद्रिक। ये चार संरचनाएं इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। जो डार्क स्ट्रक्चर है उसको तो कहा न्यूक्लियोलस, आउटर मोस्ट कवरिंग है न्यूक्लियस की उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है उसको कहा न्यूक्लियोप्लाज्मा, और जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं क्रोमेटिन नेट। और जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, तो यही जो क्रोमेटिन नेट है ये आगे चल करके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम।
गुणसूत्र बनाता है, और गुणसूत्र जनरली डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ओके, तो अपन पहुंचे थे यहाँ पर। इट हैज़ अ डबल लेयर्ड, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो दोहरी झिल्ली युक्त जो संरचना होती है उसको कहा केंद्रक झिल्ली। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ न्यूक्लियस। क्या कहा, अब ध्यान देना बेटा, इस जो केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पर छोटे छोटे पोर उपस्थित होते हैं, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या होता है कि कोश न्यूक्लियस से बाहर और न्यूक्लियस से अंदर पदार्थों का जो आवागमन है वो आसानी से हो सकता है। इनको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर, केंद्रक छिद्र, समझ रहे हो, केंद्रक छिद्र। और इन केंद्रक छिद्र के द्वारा क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान न्यूक्लियस से कोशिका द्रव्य में, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य से न्यूक्लियस के अंदर आसानी से हो सकता है। आगे चलो, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, केंद्रक कला में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। इसके बाद में इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, ये मैंने अभी बताया बेटा आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटेरियल। ये देखो, देखें, मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस केंद्रिक होता है, और ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्रोमेटिन नेट कह दो, और या फिर जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ, द्रव पदार्थ होता है उसको क्रोमेटिन पदार्थ, और जो पूरा ये नेटवर्क है उसको कहें क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्रोमेटिन नेटवर्क, ये तीन संरचनाएं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है। इधर ध्यान देना, इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन मटीरियल। क्या मतलब हुआ, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होते, क्रोमेटिन पदार्थ या क्रोमेटिन नेटवर्क एक ही बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है या क्रोमेटिन नेट है, क्रोमेटिन नेट बोले लिख लो, क्रोमेटिन जाल या पदार्थ एक ही बात है, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये आगे चल करके जब सेल डिवीजन होता है उस दरमियान क्या बनाएंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और क्रोमोसोम वो संरचना होती है जहाँ पर या जिस पर अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और ये जो गुणसूत्र है ये डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, क्या मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशानुगति, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब माता पिता से जो लक्षणों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना बच्चों के अंदर, जैसे अपन नहीं कहते ये पिता के जैसा है ये माता के जैसा है, तो ये जो लक्षणों का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उनके अंदर मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गुणसूत्र में अनुवांशिक सूचनाएं निहित होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के स्थानांतरण के अंदर मदद करती है। ओके, ये अपने था केंद्रक या न्यूक्लियस। अब इसके अंदर आएगा साइटोप्लाज्म, आगे वाला टॉपिक साइटोप्लाज्म। ध्यान देना बेटा, देखो अपन ने जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी जिसको अपन ने कहा सेल वॉल, कोशिका भित्ति, मैं सी डब्ल्यू लिख रहा हूँ सेल वॉल, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया, न्यूक्लियस का एन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, उनके अंदर अपन कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। अब साइटोप्लाज्म है क्या, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, सॉरी द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है उसको कहेंगे कोशिका द्रव्य, समझ रहे हो। द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर
अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव पदार्थ उपस्थित होता है उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। अब ध्यान देना बेटा, हाँ, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित द्रव पदार्थ कोशिका द्रव्य होता है और इनके अंदर जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है उसको कहते हैं साइटोसोल। जैसे ये सेल है ना, इस सेल के अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर जो द्रव पदार्थ है उसको कहेंगे साइटोसोल, द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का जलीय विलयन वाला भाग। ओके, अब इसके अलावा इसके अंदर खूब सारे अंगक देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो, कण पाए जाते हैं या जिसको कहेंगे ऑर्गेनेल्स या अंगक पाए जाते हैं उनको कहेंगे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। क्या मतलब हुआ, कोशिका को जीवित रखने के लिए इनके अंदर विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गन, मैं अभी आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा, विभिन्न प्रकार के जो अंगक उपस्थित होते हैं उनको कहते हैं कोशिकांग। क्या कहेंगे, कोशिकांग। और ध्यान देना, ये जो विभिन्न प्रकार के अंगक है इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक विशेष प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन, ये कोशिकांग। जैसे इसके अंदर अगर जनरल मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या है, श्वसन से संबंधित है, जिसके अंदर एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे अगर पादप कोशिका की बात करें तो उनके अंदर हरित लवक उपस्थित होते हैं, ये हरित लवक क्या है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, तो मैं कहने का मतलब खूब सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक विशेष कार्य के लिए उनकी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित अंगक जो कोशिका को जीवित रखने के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं, कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए श्वसन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, समझ रहे हो, जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं तो उससे संबंधित जो अंग है वो इनकी बॉडी के अंदर इनके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब इन कोशिका द्रव्यों में जो सेल ऑर्गेनली पाए जाते हैं उनके अंदर ध्यान देना बेटा, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, कोशिका को फिक्स शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और केंद्रक के बाहर जो विभिन्न प्रकार के जो अंगक उपस्थित होते हैं, जैसे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतद्रवी जालिका, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसको हिंदी में कहते हैं लवक, और रिक्तिका। जैसे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा अपने में ये छह ही दे रखे हैं, बाकी इसके अलावा और भी होते हैं, राइबोसोम होते हैं और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो माइक्रोबॉडीज है, ग्लाइऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, खूब सारे अंगक पाए जाते हैं, लेकिन अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो ये छह है इनको अपन डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से आप सुनो। जो भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बार बार देखें, वैसे मैं आराम से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास के अंदर आसानी से लेके आ सकते हैं। ओके, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से सुने आप। ओके, अब देखो इसके अंदर जो इसका फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्रवी जालिका, वो मैं बता रहा हूँ। अब ध्यान देना बेटा, अंतद्रवी जालिका जो होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, ये देखो, ये जैसे न्यूक्लियस वाला पोर्शन हो गया, न्यूक्लियस के चारों यहाँ पर क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। मैंने जब सेल का जो डायग्राम बनाया था उसके अंदर आप ध्यान देना, उसको वापस देखो नहीं तो एक बार खोल के, यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है ना, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्रवी जालिका, ER।
शॉर्ट में रिप्रेजेंट इसको ER से ही करते हैं। अब ध्यान देना, ये ER भी दो प्रकार की होती है। कैसे, देखो ध्यान देना बड़ा, ER जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतद्रवी जालिका। ये अंतद्रवी जालिका भी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उसको कहते हैं RER, एक होती है SER, समझ लो। RER को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, और SER को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा, राइबोसोम एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली है। राइबोसोम, इनके ऊपर क्या होता है कि राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। कहां पर, इधर देखो, इनकी जो झिल्लियां होती है यहां पर छोटे से डॉट नुमा संरचना आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से क्या होता है, ये खुरदरी हो जाती है, समझ लो। इस प्रकार के जो कण देखने को मिलते हैं ना, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ये होगी ER। तो राइबोसोम इनके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और ये जो संबंधित है, ध्यान रखना, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से, प्रोटीन संश्लेषण मतलब राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो RER जो होती है वो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होती है। SER के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट अनुपस्थित होते हैं। और साथ ही साथ अब राइबोसोम अब्सेंट होते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण का काम भी ये नहीं करती, तो इनका काम है फैट, वसा का निर्माण, वसा या जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके निर्माण में ये रेस्पॉन्सिबल होती है, RER और SER, ओके। ये दो प्रकार की थी, मैंने आपको बता दी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले देख लो बेटा, इसकी जो खोज का जो श्रेय वो आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, खोज या डिस्कवर करने का जो श्रेय है, खोज या डिस्कवर, वो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था के पोर्टर, ठीक है, PORTER, उन्होंने की थी PORTER। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर जो झिल्लियों का जो नेटवर्क है, दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान रखना बेटा, यूकैरियोटिक सेल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब यूकैरियोटिक सेल क्यों, किसी इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक भी नहीं होता तो कोशिकांग भी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये नेटवर्क होता है ट्यूबल्स का, कहाँ पर उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर और न्यूक्लियस के चारों ओर, और जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसके बाद में ER इज ऑफ टू टाइप, अंतद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, SER और एक होती है, आगे बताऊंगा, RER, अभी मैंने बताया आपको। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ का मतलब चिकनी अंतद्रवी जालिका, इट इज मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये किसकी बनी हुई होती है, नलिकाओं की, इस तरीके की जो नलिकाएं होती है ना, ये ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको, नलिकाओं की बनी हुई होती है। और इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल, वसा के अणुओं के निर्माण में, स्टेरॉइड, ये भी कंपाउंड होते हैं, लिपिड,
के निर्माण के अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है लिपिड निर्माण में, राइबोसोम इज अब्सेंट। मैंने बताया इसके अंदर ऊपर राइबोसोम के कण जो है वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। पता पड़ गया, आगे चलते हैं। देखो दूसरा जो आता है इसका, अभी मैंने आपको बताया वो है कौन सी है, RER है, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जो ट्यूबल्स नलिका से बनी हुई होती है, वसा के निर्माण में सहायक होती है और राइबोसोम इस पर अनुपस्थित होते हैं। दूसरी है RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल। वेसिकल का मतलब हो गया, ध्यान रखना बेटा, पुट्टिकाओं की बनी हुई होती है, इस तरीके की छोटी छोटी चारों ओर, या तो इस तरीके से होगी और या फिर नहीं तो जो छोटी छोटी पुट्टिकाएँ होती हैं इसके चारों ओर होती है और ये क्या करती है वापस इस तरीके की आगे चल करके ट्यूबवेल्स का निर्माण कर लेती है। ठीक है, वेसिकल्स छोटी छोटी पुट्टिकाएँ होती है, ये आपस में जुड़ करके वापस इस तरीके ट्यूबवेल बना लेती है। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ वेसिकल, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इस वजह से ये प्रोटीन के निर्माण में रेस्पॉन्सिबल होती है। कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, पुट्टिकाओं की बनी हुई होती है और प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। तो ये था बेटा अपना ER। अब वापस इसको सुनना, ध्यान से पढ़ना, फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उस टॉपिक को नोट डाउन कर लेना और वापस आप लेके भी आ सकते हैं, उस दरमियान में बता दूंगा। ओके, इसके अलावा इनके अंदर अगर जो है एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, वो नोट डाउन कर लेना, समझ रहे हो? हु लिखो, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद में ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, इसका हिंदी में लिख लो। पहले का लिख रहा हूं, केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने की थी, एक तो ये बताना है और दूसरा है ये इसका हिंदी में लिखा। ओके, और इसका लिख रहा हूं, पादप कोशिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू। नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू। ओके।